News 18, India. इलेक्शन धमाका के जरिए धमाकेदार अपडेट यहां पर दे रही है और बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का जो ऐलान करेगी उस पर मंथन, ये महामंथन, ऐसे मंथन कहना गलत होगा, महामंथन, क्योंकि बीजेपी जानती है कि एक एक सीट कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस बीच खबर यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश, देश का दिल कहे जाने वाले प्रदेश की कमान संभाली है, उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट मिल सकता है। बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से लोकसभा का उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता आखिर किस तरह से मध्य प्रदेश की जनता के दिल में पैठ बना चुकी है। लंबे वक्त से सूत्रों का यह भी दावा है कि भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को का टिकट जो है वो यहां पर आ सकता है। और साथ ही सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मध्य प्रदेश से 3 से 4 मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है। दरअसल यूं ही टिकट नहीं काटा जाता, सर्वे करवाया जाता है। जनता क्या अपने जनप्रतिनिधि से खुश है? पिछली बार जो चुनाव किया था, क्या उम्मीदों पर वो प्रतिनिधि खरे उतरे हैं? जनता इस बात को जब जानती है तो यही बात पार्टी भी अपने अंदर समेट लेती है, ताकि दोबारा मौका उसी को मिले जिसने जनता को यहां पर खुश किया हो। खुश का मतलब है कि जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा हो, लेकिन जिसने जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा है उसे दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी इस बात का बखूबी यहां पर ध्यान भी रख रही है, यही मंथन भी होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण मौजूद हैं। अरुण, सवाल अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है, माफ कीजिएगा अमित, सवाल हमारा यही है कि बीजेपी का ये महामंथन किस तरह से अंदर खेमे बहुत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, ताकि जब पहली लिस्ट सामने आए तो वो लिस्ट चौंकाए नहीं बल्कि जनता के सामने ये सीधा संदेश दे, हमारे कैंडिडेट देख लीजिए, इन्हें जिताना है। देखिए, इस वक्त हम उसी जगह मौजूद हैं जहां पर अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है, और 6:30 से 7 बजे के बीच में अभी इसका समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, प्रमुख ये चीज़ है कि जो हारी हुई सीटें हैं उन हारी हुई सीटों पर मंथन किया जाए, उन हारी हुई सीटों पर एक सशक्त उम्मीदवार का ऐलान किया जाए, और करीब 100 से 125 सीटें ऐसे हैं जिनका आज ऐलान होगा। और दूसरी जो बहुत अहम चीज़ है कि फर्टाइल ग्राउंड बीजेपी खोज रही है, जैसे राज्य तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल खासकर, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी को संभावना दिख रही है और यहां से उसके कैंडिडेट पिछली बार सफलता मिली थी, कुछ जो हारे थे वो भी जीते, तो इस रणनीति के तहत बीजेपी के उम्मीदवारों की यहां पर चर्चा होगी और संभवतः कल यह सूची आएगी, एक विस्तृत चर्चा होगी। बड़ा रणनीतिक बदलाव है और ये रणनीतिक बदलाव ये है कि पहले हम अपने वीक पॉइंट पर हम ध्यान दें और उसके बाद स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर आए। दोबारा से आपके पास जरूर लौटेंगे, क्योंकि हमारे जो सहयोगी यहां पर हमें जानकारी दे रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आखिर पहली लिस्ट जो होगी उसमें क्या कुछ खास नजर आ सकता है। अब चुनाव की पूरी डिटेल एनालिसिस के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी प्रशांत चोरे के पास, धमाकेदार आंकड़े उनके पास मौजूद हैं। बिल्कुल, हम इस मैजिक वॉल के साथ यहां पर हाजिर हैं। ये इस जादुई वॉल में दरअसल वो आंकड़े छिपे हुए हैं जिसके आधार पर राजनीतिक दल भी आगे की रणनीति बना रहे हैं, और ये पूरा नक्शा हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे होंगे किस तरह से साल 2019 का रिजल्ट आया था और बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 52 सीटें, और मत प्रतिशत हमारे दर्शक यहां पर देख पा रहे हैं। लेकिन अब आंकड़ा बीजेपी ने इससे ज्यादा और बड़ा रख लिया है, और इसीलिए माना जा रहा है कि रणनीति के साथ अब बीजेपी कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के टिकट काट सकती है जो अभी वर्तमान में सांसद हैं। और इसी के तहत जो सबसे खास बात है वो है मध्य प्रदेश की, उनकी तमाम लोकसभा की सीटें जहां नई रणनीति बनाकर के बीजेपी उतरना चाहती है। लेकिन अगर इस आंकड़े पर गौर करें तो 58% मत हासिल किए थे बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में, और यहां 29 में से 28 सीटें जीती, कांग्रेस एक सीट सिर्फ जीत पाई थी और यह सीट वही छिंदवाड़ा की थी जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव जीते थे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 2024 में यही आंकड़ा अगर हम गौर से देखें तो यहां पर मत प्रतिशत कम था, 27 सीटें बीजेपी जीत पाई थी, 2 सीटें यहां नहीं जीत पाई थी, और ऐसे में गुना और वही एक बार फिर छिंदवाड़ा की सीट थी, मत प्रतिशत यहां पर थोड़ा पहले से कम था 2014 में। लेकिन जो सबसे खास बात यह है कि बीजेपी दरअसल यहां एक नए समीकरण के साथ उतरना चाहती है, आगे अब नई लीडरशिप तैयार करना चाहती है, और इसी के तहत उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया था चुनाव जीतने के बाद, और इसीलिए माना जा रहा है कि यहां कई उम्मीदवारों के अब टिकट कट सकते हैं जो ये मान रहे थे कि हम सिटिंग एमपी हैं और उसके बावजूद उनकी दावेदारी थी। लेकिन एक और खास स्टेट है, वो है देश की
राजधानी दिल्ली, और इस पर भी लगातार सभी की निगाहें, क्योंकि साल 2019 में यहां 7 लोकसभा सीटों में से पूरी की पूरी 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। साल 2014 पर अगर हम गौर करें तो उससे ठीक एक पहले का लोकसभा चुनाव जिसमें 7 की 7 बीजेपी ने जीती थी और मत प्रतिशत 46% था, कांग्रेस के पास में 15% था, आम आदमी के पार्टी में 32%। लेकिन अब 2019 में जिस तरह के आंकड़े सामने आए थे, इस आंकड़े को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अब मिलकर चुनाव लड़ने का मन बनाया है, और इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी नई रणनीति बनाकर चुनाव मैदान में उतरेगी, कईयों के टिकट कट भी सकते हैं। सभी ना धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के लिए प्रशांत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इलेक्शन